Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Okay स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है. ठीक है, हमारा फिगर दे रखा है. फिगर दे रखा है, कह रहा है कि ये जो लाइन है L, ये बाइसेक्ट कर रहा है किस एंगल को, QAP को बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट मतलब हाफ इधर और हाफ इधर, यानी कि ये एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के. ठीक है, अब देखो हमें क्या दिखाना है, प्रूफ क्या करना है. ट्रायंगल APB, ए पी बी यानी कि ये वाला ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा ए क्यू बी के इस वाले के कंग्रुएंट हमें शो करना है. ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्यूशन में. देखो क्या है, ये हमारा 90 दे रखा है, गिवन है क्यू, देखो बी पी ए हमारा क्या दे रखा है, 90 दे रखा है. ठीक है, लिख देते हैं. पहले यहां पे लिखते हैं ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी. ठीक है, अब देखो ए पी बी की बात कर लीजिए की जा रही है, ए पी बी की बात की जा रही है, ये 90 है, 90 हमने लिख दिया. एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल, अब ए क्यू बी में चले जाओ, ए क्यू बी में, ए क्यू बी में चले जाओ तो ये हमारा 90 दे रखा है, गिवन है वो. ठीक है, तो ये हम 90 लिख देंगे कि एंगल कौन सा, ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी. ठीक है, इक्वल है हमारा, तो यहाँ पे लिख देंगे ये एंगल से. ठीक है, अब देखो कि हमारा देखो ये हाफ हाफ, ये क्या है, बाइसेक्ट किया है ना, एल एल बाइसेक्ट किया है, तो यानी कि हाफ इधर और हाफ इधर, यानी कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे ना. तो इस वाले ट्रायंगल में लिख देते हैं कौन सा एंगल, कि पी ए बी, एंगल पी ए बी इक्वल होगा, एंगल पी ए बी इक्वल होगा किसके, बी ए क्यू के, बी ए क्यू के, ये भी एंगल हो गया. ठीक है, एंगल एंगल. अब हम क्या करेंगे, देखो ये देखो साइड जो है ए बी, ए बी क्या है हमारा साइड, जो इस वाले भी ट्रायंगल में है और इस वाले भी ट्रायंगल में है, तो यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए लिख सकते हो या फिर ए बी लिख सकते हो, ये क्या हो गया हमारा साइड हो गया. और ये तीनों हमारा क्या है, हमारा कंग्रुएंसी की प्रॉपर्टी होती है, रूल है, एंगल एंगल साइड. अगर देखो इस पर बेसिक आपको क्लास चाहिए ना तो उसके कमेंट में कर देना कि मैं इसका एक बेसिक क्लास दे दूंगा. ठीक है, तो हमारे ये रूल है, देखो साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, और राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड. ठीक है, ये हमारे रूल है कंग्रुएंसी के. तो इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, देखो ये थर्ड वाला एंगल एंगल साइड वाला, एंगल एंगल साइड वाला हमारा रूल इसमें फॉलो कर रहा है. ठीक है, तो लिख देंगे बाई एंगल एंगल साइड कंग्रुएंसी सी रूल. ठीक है, लिख देंगे ट्रायंगल कौन कौन से अब कंग्रुएंसी हो गए, कंग्रुएंट हो गए ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी कंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए क्यू पी के. ठीक है, कंग्रुएंट, जब देखो ये पूरा का पूरा कंग्रुएंट हो गया इसके, यानी कि हर एक पार्ट इसके पार्ट के इक्वल होगा, इस ट्रायंगल का हर एक पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा और इस ट्रायंगल का हर एक पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा. तो अबाउट सेकंड क्वेश्चन के बारे में आप क्या सोचोगे, ठीक है, कि BP, देखो BP यानी कि ये वाला साइड, ठीक है, इज इक्वल टू BQ, यानी कि इस वाले साइड के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. अब दूसरी तरह से आप ये भी देख सकते हो कि ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के. ठीक है, तो इसके सामने वाला साइड ये और इसके सामने वाला साइड ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे. बाय सीपीसीटी से भी आप कर सकते हो, जब इसको और इसको कांग्रुएंट दिखा दिए, यानी कि इसका हर एक पार्ट इसके बराबर और इसका हर एक पार्ट इसके बराबर. ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि बीपी, यहाँ पे सेकंड डाल दो, सेकंड सॉल्यूशन. ठीक है, बीपी इज इक्वल टू किसके, बीक्यू के, यहाँ पे लिख सकते हो सीपीसीटी से, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल. ठीक है, इससे कांग्रुएंट ट्रायंगल का क्या है, ये हमारे पार्ट है, इसलिए ये भी इसके इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, ओके, यही हमें प्रूफ करना था, तो हो गया. और ये बेसिक रूल्स हैं, ठीक है, इन्हीं की हेल्प से हम कांग्रुएंसी आपका पूरा पढ़ लेंगे. ओके, बाय.